दुष्ट कुम्हार। एक गांव में शंकर और किशन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शंकर दुष्ट था, वो किशन से जलता था। दोनों भाई कुम्हार का काम करते थे। एक बार गांव के ठाकुर साहब किशन के घर आते हैं। किशन, अरे ओ किशन, क्या सौभाग्य है मेरा जो आप मेरे घर आए। क्या बात है ठाकुर साहब? सुनो किशन, मुझे 151 मिट्टी की सुराही चाहिए, मेरी पत्नी को दान करना है, लेकिन मेरे पास समय कम है, एक हफ्ते में बनानी होगी तुम्हें। क्या, एक हफ्ते में? ठाकुर साहब, इतने कम समय में इतनी सुराहियां कैसे बनेंगी? वो बात ये है कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो गरीबों में सुराहियां दान करे, और वो दान का मुहूर्त ठीक एक हफ्ते बाद है। तुम बना सकते हो, काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मिल जाएंगी ठाकुर साहब, जरूर मिल जाएंगी आपको। मुझे पता था कि तू कर पाएगा, क्योंकि तेरा काम तो इतना अच्छा है, तभी उतनी तेजी से कर पाता है तू। ये ले, पैसे रख ले और अभी से काम शुरू कर दे। कहकर उसे पैसे देते हैं। ठाकुर और किशन की बातों को शंकर अपने घर की खिड़की से छुपकर सुन लेता है और मन ही मन कहता है, ठाकुर को किशन पर बहुत भरोसा है ना? ठीक है, भरोसे को कैसे तोड़ना है ये मुझे पता है। किशन बाजार जाकर मिट्टी खरीद कर लाता है और अपने काम पर लग जाता है। वो सुराही तैयार करने लगता है, तभी उसकी पत्नी आती है। सुनिए, दोपहर हो गई है, आप खाना कब खाएंगे? बस आ ही रहा हूँ, वो एक हफ्ते में 151 सुराही बनाने का काम मिला है, इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ। अरे वाह, एक ही दिन में आपने इतनी सारी सुराही बना दी। हाँ राधा, दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ, एक दो दिन में हाथ के काम खत्म कर लूंगा, उसके बाद सूखने में और आग में पकाने में और दो दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब अंदर आकर खाना खा लीजिए। हाँ आता हूँ। शंकर छुपकर देखता है कि किशन ने इतनी सारी सुराही बना ली है और कहता है, शंकर बाप रे, इतनी जल्दी इसने इतना काम कर लिया, इसका मतलब तो कल ही सारा बना डालेगा। ठीक है किशन, तू रात दिन एक करके काम कर, बाकी तेरा काम मैं तमाम कर दूंगा। शंकर योजना बनाकर कल्लू हलवाई के पास जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज क्या बना रहे हो? आज बना रहा हूँ मटर पनीर और पुलाव। भाई तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जब से मैंने तुम्हारे घर पे खाना खाया है तब से अपने घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। भाई मैंने बहुत साल तक विदेश में होटल में काम किया है, अब अपने गांव में आ गया हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कभी कभी अपने गांव वालों को अपने हाथ का बना खाना खिलाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी किशन को खाने पर बुलाया है? अभी तक नहीं, तो एक दिन उसको भी अपने हाथ का बना खाना खिलाओ। कल वो मुझसे बोल रहा था कि कल्लू ने मुझे खाना नहीं खिलाया। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। अरे ना ना। ठीक है अब मैं चलता हूँ। दूसरे दिन कल्लू हलवाई किशन के घर जाता है। क्या बात है किशन भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ भाई। इतनी सारी सुराही क्यों, क्या किसी ने इसको बनाने को कहा है? हाँ ठाकुर साहब ने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो कहने आया था कि आज रात को मेरे घर में तुम लोगों की दावत है। तुम्हें तो पता है कि कभी कभी अपने जान पहचान के लोगों को अपने घर खाने पर बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है हम आ जाएंगे। रात को जब किशन और उसकी पत्नी घर से निकलते हैं, तब शंकर छुपकर उन्हें देखता है। उनके जाने के बाद वो वहां आता है। किशन को खाना खाकर आने में टाइम है, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। वो सारी सुराहियां लाठी से तोड़ देता है और कहता है, अब देखता हूँ कि तू बचे हुए दिनों में 151 सुराहियां कैसे बनाता है। किशन और उसकी पत्नी घर की तरफ बातें करते आते हैं। खाना बहुत अच्छा था।
हाँ हाँ बहुत अच्छा था। पुलाव, मटर पनीर, रायता, पूरी, कितना स्वादिष्ट खाना था। उसके हाथ में तो स्वाद है, वो आदमी भी साफ दिल का है। दोनों बातें करते करते जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारी सुराहियाँ टूटी पड़ी हैं। अरे ये क्या, ये क्या हो गया? मेरी सारी सुराहियाँ कैसे टूट गई? इतने कम समय में 151 सुराहियाँ अब कैसे तैयार करूंगा मैं? हाय, मेरा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? अब मैं ठाकुर साहब को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? दूसरे दिन राधा जब शंकर के घर के पास से निकलती है तो वो शंकर की पत्नी रोहिणी और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। माँ, इन्होंने 151 मिट्टी की सुराहियाँ बनाई हैं, आज ही काम खत्म हुआ है। अरे वाह, इसका मतलब मोटी रकम का काम मिला हुआ है। नहीं नहीं, तुम्हारे दामाद को कोई काम नहीं मिला। तो फिर? ठाकुर साहब ने ये काम तो किशन को दिया था। कल रात जब वो लोग दावत पर गए थे तब तुम्हारे दामाद ने किशन की सारी सुराहियाँ तोड़ दी। और पता है क्या हुआ? अरे वाह, बहुत अच्छा किया, पर शंकर सुराही क्यों बना रहा है? अरे माँ, सुराही टूटने के बाद किशन ऐसी हिम्मत हार चुका है कि इन कुछ दिनों में वो फिर से सुराही नहीं बना पाएगा। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो तुम्हारे दामाद ने दिन रात एक करके सुराहियाँ बनाई हैं। जब ठाकुर साहब यहाँ आएंगे और उनको सुराहियाँ नहीं मिलेंगी तब वो किशन को गाँव से बाहर निकाल देंगे। तब तुम्हारे दामाद अपने हाथों से बनाई हुई सुराहियाँ देकर पैसे कमाएंगे। अरे बहुत अच्छा, जब ठाकुर साहब किशन को गांव से बाहर निकालेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। वाह, ये हुई ना बात, बहुत अच्छा। ये सारी बातें राधा सुन लेती है और अपने घर आती है। किशन उदास होकर बैठा है, राधा उससे कहती है, सर पर हाथ रखकर बैठे मत रहिए, आप कुछ करिए, कुछ कीजिए, आपको फिर नई सुराहियां बनानी ही होंगी, चलिए उठ जाइए। क्या कह रही हो, इतने कम दिनों में फिर से 151 सुराहियां बना पाऊंगा? हाँ, अगर मन भी मर गया होगा तब भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन मिट्टी के लिए पैसे कहाँ हैं? ये लीजिए मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। लेकिन अब यहाँ काम मत कीजिए, कहीं छुपकर अपना काम कीजिए। लेकिन यहाँ क्यों ना करूं? जिसने आपकी सारी सुराहियां तोड़ दी है ना, वो फिर से भी तो तोड़ सकता है। किसने? वही आपका दुष्ट भाई शंकर। शंकर? हाँ हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, अभी जाइए और कहीं जाकर गुप्त रूप से सुराहियाँ बनाइए चुपचाप। किशन वहाँ से चला जाता है। अब एक हफ्ता बीत जाता है, ठाकुर साहब किशन के घर आते हैं, बाहर ही शंकर मिल जाता है। किशन, अरे ओ किशन, वो घर पर नहीं है ठाकुर साहब? लेकिन आज ही उसने 151 सुराहियाँ देने का वादा किया था। लेकिन वो सुराहियां कैसे देगा, उसने तो एक सुराही भी तैयार नहीं की है। आपके पैसे लेकर बस यहां वहां घूम रहा है। क्या कहा, पर अब मेरी पत्नी सुराही दान कैसे करेगी? वो किशन है ही ऐसा, वो अभी मुझे जानता नहीं है, मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। यही तो मैं चाहता हूं। ठाकुर साहब, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास 151 सुराहियां हैं, अगर आप कहें तो मैं ले आऊं। तुम्हारे पास हैं? वाह, बच गया मैं। जा जा ले आ, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। ये सब राधा अपनी खिड़की से देख रही होती है। तभी किशन वहां बैलगाड़ी पर सुराहियां लेकर आता है। राधा भी घर के बाहर आ जाती है। अरे ये क्या, ये किशन तो आ गया। ठाकुर साहब, ये लीजिए आपकी सुराहियां। पर मैंने सुना कि तूने कुछ भी काम नहीं किया। नहीं ठाकुर साहब, मेरी पहले की बनाई हुई सुराहियां शंकर ने तोड़ दी थीं, इसलिए यहां से दूर जाकर मैंने फिर से सुराहियां बनाई और लेकर आया हूं। क्या, मैंने तोड़ी हैं? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत मैं हूं, मैंने अपने कानों से तुम्हारी पत्नी और सास की बातें सुनी है। और अगर तुमने नहीं तोड़ी तो ठाकुर साहब से बिना पैसे लिए तुमने 151 सुराहियां क्यों बनाई? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो, बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है। शंकर बता, किसने तोड़ी हैं? अगर सच नहीं कहा तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तू बताएगा या फिर अपने लोगों को बुलाऊं, वो पीट पीट कर सच का पता लगा लेंगे। नहीं नहीं, बताता हूँ, अपने लोगों से मार मत खिलाइए मुझे, मैं बताता हूँ, मैंने ही तोड़ी है, मानता हूँ।
इस किशन को सबक सिखाने के लिए मैंने ये काम किया था। शैतान, तो इतना बुरा है? ठीक है, अब तू अपनी सारी सुराहियां लेकर आ और मेरी आंखों के सामने अपने हाथों से सारी सुराहियां तोड़ेगा। मैं मर जाऊंगा ठाकुर साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी और यही तेरी गलती की सजा है। शंकर खड़े होकर रोता रहता है।